दिल्ली में 30 जून से 1 जुलाई के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर के जनामनी ने कहा है कि लोगों को एक्सट्रीम गर्मी से 30 जून के बाद ही राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार का मॉनसून नॉर्मल ही रहेगा। मॉनसून के आने के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी मॉनसून को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारत में इस वक्त लोग भीषण गर्मी और उमस से खासा परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मौसम विभाग के एक सीनियर साइंटिस्ट आरके जीनामणि मौजूद हैं, जो हमें दिल्ली में मॉनसून के आने की और रीसेंट वेदर अपडेट्स की सूचना देने वाले हैं। सर, यह अभी जो आज जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, जो जितना हमारा प्रोडक्ट है, चाहे मॉडल हो, सैटेलाइट हो, रडार हो, वो देखने के बाद ये मतलब दिया है प्रेस में कि जो इलाका है, जैसे पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, वो 24 आवर्स के अंदर कल तक कुछ एरिया कवर करेंगे, जो दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। और फर्दर जो 48 आवर्स है, जैसे 30 जून से 1 जुलाई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा का कुछ हिस्सा कवर होगा, इंटायर दिल्ली भी कवर होगा। और दिल्ली में जो बारिश है 30 जून और 1 जुलाई को अच्छा खासा है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। जो तापमान जो आज भी रहेगा, क्योंकि जो रेन कल से शुरू हो रहा है, कल प्री मानसून होगा, 31 जुलाई को मानसून होगा। तो जो डिस्कम्फर्ट इंडेक्स है, वो तो सभी मीडिया में हाईलाइट किया कि ह्यूमिडिटी की वजह से कभी कभी क्या होता है कि आपको फील फैक्टर जो है तापमान बहुत हाई पता मतलब फील होता है बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी। वो सारा जो है 30 से तापमान भी कम होगा, जैसे 40-41 चल रहा है, वो तापमान 30-32-35 तक आ जाएगा कहीं दिल्ली में, और आपको एक ठंड का मौसम पता चलेगा। सर, इस बार जो मॉनसून है वो कैसी होने की संभावना है? नहीं, वो तो ऑल इंडिया में तो नॉर्मल है, ऐसे इनकी जो होता है जो लार्ज स्केल फीचर्स है, चाहे एल निनो हो, चाहे आईओडी हो, चाहे ऑल दीज फीचर्स, वो दिखाता है कि मॉनसून का टोटलिटी में कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, क्वांटम ऑफ रेनफॉल में इन द सीजन कोई कमी नहीं है। हाँ, जून में थोड़ा अभी जो लेटेस्ट है ऑल इंडिया आ रहा है -10%, और यही रहेगा अराउंड। और अगर हम और बात करें, जैसे अभी का जो है ना नॉर्थ ईस्ट, हम लोग रेड कलर दिया है, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, तो फ्लड सिचुएशन बहुत ही वर्स था, फिर शुरू हुआ कल से बहुत ज़्यादा बारिश, 200 mm से ज़्यादा हुआ, और सिक्किम एरिया भी हुआ, वो लोग भी, उसको भी हम लोग 2 दिन ऑरेंज और रेड में रखे हैं। और पर्टिकुलरली हमारा उत्तराखंड, वो भी सभी को मालूम है, उत्तराखंड में हर साल यूनो हादसा होता है, तो वो भी हम लोग ऑरेंज कलर में 3 दिन रखे हैं। सो वेरी हैवी रेनफॉल, हाई रेनफॉल हो सकता है। उत्तर प्रदेश भी ऑरेंज कलर में रखे हैं, दिल्ली में भी ऑरेंज कलर है 30 जून को, सबसे ज़्यादा रेन 30 जून और 1 जुलाई को होगा। ठीक है, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आरके जीनामणि जी, जिनका ऐसा कहना है कि दिल्ली में मॉनसून 30 जून तक दस्तक दे सकता है।